नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिली, बिना यूनिक कोड या आईडी के अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। अनेक जिलों में अभी यूनिक आईडी बनना ही प्रारंभ नहीं हुआ या बनने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपने सुना होगा पेपर कटिंग के माध्यम से, भिन्न मीडिया के स्रोतों से कि यूनिक आईडी के बिना अतिथि शिक्षक की वेतन नहीं मिलेगी। क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या बिना यूनिक आईडी या बिना यूनिक कोड के अतिथि शिक्षक की वेतन नहीं मिलेगी? तो ऐसा आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस प्रकार की यदि आपके पास भी जानकारी आई है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता है अतिथि शिक्षक की जो प्रक्रिया है वह कभी भी विभाग सीरियसली नहीं लेता है। हाँ, यह इतना अवश्य है कि कई जिलों में यूनिक आईडी की बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, किंतु कुछ या कई जिला भी ऐसे शेष हैं जिनमें अभी यूनिक आईडी बनने की प्रक्रिया का पता सता नहीं है। उनमें अभी प्रक्रिया स्टार्ट तो दूर की बात है, पता ही नहीं है प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, अर्थात लगभग 3-4 माह लग जाएगा यूनिक आईडी बनते बनते। तो क्या तब तक अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक वेतन नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने स्वयं अभी अपनी जुलाई की वेतन चेक की थी। जुलाई की वेतन क्या बढ़कर मिली है या नहीं मिली है, यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, यूनिक आईडी जब तक नहीं बनती है तब तक की प्रक्रिया, तब तक जो वेतन मान है या मानदेय है वह हमें जैसे प्राप्त पहले प्राप्त होता था उसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। हाँ, यूनिक कोड या यूनिक आईडी जारी होने के बाद यूनिक कोड या यूनिक आईडी के माध्यम से वेतन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन वर्तमान में आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको 9 दिन का टाइम पर या दीपावली के समय तक आपको वेतन प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।